सो हेलो गाइज, फाइनली वो यूट्यूबर मिल गया है जिसने 3 लाख प्लस सब्सक्राइब वाले मनोज दे को फेक बोला था। दोस्तों आज की इस वीडियो में उन्हीं सब तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो मनोज दे पे फेक वाली वीडियो बन रही है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल जोन और मैं सांवर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन सभी तथ्यों के बारे में। दोस्तों आपने मनोज दे के ऊपर बनी सभी फेक वीडियो को देखा होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। और उसमें एक सबसे बड़ी खास चीज़ देखने को मिली, एक छोटा बच्चा है जो रो रो के मनोज दे को एक बदनाम करने वाले तरीके से बोल रहा है कि मेरे 1000 रुपये मनोज दे ने यानी डुबो दिए। इन सब चीज़ों के पीछे क्या राज हो सकता है दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों जानते हैं कि वो बच्चा क्यों रो रहा है, दोस्तों आप उस वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनिए, मैं आपको प्ले करके यहाँ पे दिखाने। दोस्तों मेरे साथ इतना गलत काम किए हैं मनोज दे भाई। मैंने उनसे बोला कि भाई मेरा वीडियो कम्युनिटी टैब में डाल दो। दोस्तों मैं उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, व्हाट्सएप स्क्रीन शॉट भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने बोला कि मेरा वीडियो कम्युनिटी टैब में डालना, उनको डालना चाहिए या नहीं उनको बोला है। बोला अच्छा मैं डालूँगा, मैं इतना रुपये। मैंने बोला कितना रुपये, बोला एक वीडियो का 1000 रुपये। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने जाकर पेटीएम से 1000 रुपया सेंड कर दी। ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि ये बच्चा रो रो के बोल रहा है कि मनोज दे ने मेरे 1000 रुपये डुबो दिए। ये तो एकदम फाइनल बोल रहा है वो, और उसके साथ ही वो बोल रहा है कि मैं एक व्हाट्सएप पे प्रूफ भी आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी मनोज दे से 1000 रुपये को लेकर बात हुई थी। क्या दोस्तों वो बच्चा बोल रहा है सही बोल रहा है या उस बच्चे से किसी ने ऐसा करने के लिए बोला है? दोस्तों इन सब चीज़ों के पीछे क्या राज है, इसके साथ ही आप उस प्रूफ से पहले एक ऑडियो क्लिप को भी सुन लीजिए जिस ऑडियो क्लिप में क्या बोला गया है। आप ध्यान से सुनना दोस्तों, ये ऑडियो क्लिप बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वीडियो के लिए। पर मैंने दे दे कभी कॉल अगर देखो बन चुका काफी, लेकिन चल रहा कि तुम्हारा हम तुमको बता देते, तुम्हारा ये वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है। हां मेरी चल रही है। हां लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, तुमको हम क्या बताएं, तुमको भी तो हम बोर नहीं कुछ नहीं करते। मैंने कुछ गलत किया है क्या? मैंने तो देखो वीडियो तुम उस लड़के को हाईलाइट कर रहे हो, वही तुम्हारा गलती है। ताकि वो लड़का इतना फेमस नहीं होता, तुमने फेमस किया। अच्छा एक बात बताओ सही सही, अगर मैं ये वीडियो ना डालता, 50 नहीं 1000 ईमेल करता तुम्हें, 1000 बार कमेंट किया, कभी आपने रिप्लाई दिया, कभी आपने मेल को रिप्लाई दिया, कभी आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मेरा दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट था उस पर कितना मैसेज किया तुम, कभी आपने इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दिया, आज आके तुम मुझसे नंबर मांगे हो? यही तो बता रहे हैं, अगर जरूरत होती है तो सब लोग कॉल करते हैं, नहीं जरूरत होती है नहीं कॉल करता। इसे ही तो मतलब नंबर सबको ना सबसे बात करना, नंबर देना पॉसिबल नहीं है ना। जो अगर करते हैं मैसेज ईमेल आता है सबको नंबर के लिए कैसे होगा मेरे काम? तो वही तो अभी तो शिवानी को क्या सोच कर दे दिए थे ये बताओ? शिवानी को तो हम उसका ये लिए थे क्लिप बनवाए थे, उसके क्लिप पहले तो वीडियो बना के थे। नहीं नहीं क्या मतलब क्लिप बनवाए थे मतलब कि तो क्यों दे दिए थे, और किसी नहीं सेंड कर सकती थी? और किसी नहीं पूछ सकते कैमरा किसके पास कौन सा है? बहुत लोग तो कैमरा यूज करते हैं कैमरा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एक वीडियो क्लिप और एक ऑडियो क्लिप आपने सुनी है, और दोनों को मिलाने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि वो छोटा बच्चा जो बोल रहा था कि मेरे 1000 रुपये डुबो दिए, ये तो बात एकदम बिल्कुल से गलत निकली। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये छोटे बच्चे ने खुद वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ये ऑडियो क्लिप वाला यूट्यूबर है, इसने उस छोटे बच्चे से ये एक वीडियो बनाने के लिए बोला है। और छोटे बच्चे का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है यूट्यूब पे, क्योंकि एक छोटा बच्चा मासूम बच्चा अगर ये रो रो के ऐसे बोलता है कि मेरे 1000 रुपये मनोज दे ने डुबो दिए यानी डुबो दिए, इसका कारण यह होता है दोस्तों कि छोटे बच्चे के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं मानते और उनका सब विरोध करते हैं। इसलिए तो ये एक जो ऑडियो क्लिप वाला यूट्यूबर है इसने इसके साथ चालबाजी खेली, यानी उन्होंने ये वीडियो
जानबूझकर बनवाया है। और इस ऑडियो क्लिप में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सुनने को मिली है कि दोस्तों वो एक मनोज दे का सब्सक्राइबर है और वो बोल रहा है कि मैंने मनोज दे के पास, यानी मनोज दे को बोल रहा है कि मैंने आपके पास बहुत सारे मेल किए, बहुत सारे कमेंट किए और बहुत सारे मैसेज किए, आपने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। दोस्तों फाइनली बात ये निकल जाती है कि वो एक मनोज दे का ही व्यूवर्स है जो मनोज दे से नाराज था, तो उन्होंने ये सब तरीका अपनाया और दोस्तों उन्होंने उस छोटे बच्चे से वीडियो क्लिप बनवाई है। उसके बाद दोस्तों मनोज दे को यानी कि टारगेट किया गया है और टारगेट करने के बाद उन्होंने अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए ये सब कुछ किया। दोस्तों उन्होंने ऐसा भी बोला है कि आप लड़कियों के साथ बात करते हो, यानी लड़कियों को नंबर दे देते हो। उन्होंने ऐसा बोला है कि मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया बल्कि आप लड़कियों को हमसे पहले नंबर दे देते हो। दोस्तों फाइनल एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बड़े यूट्यूबर के लिए सबको नंबर बांटना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उनसे कुछ हद तक यानी वीडियो लाइव पे आके यानी यूट्यूब पे वीडियो लाइव करके उन सब से बात करने का कुछ न कुछ हद तक सोल्यूशन किया जा सकता है इस बात का। लेकिन मनोज दे वीडियो लाइव क्यों नहीं करते इन सब चीज़ों के पीछे भी वो बोल रहे हैं कि मेरे पास इन सब का सुविधा है, लेकिन वो उन्होंने खुलासा नहीं किया है। दोस्तों फाइनली इस दोनों चीज़ों में निकला है कि वो छोटा बच्चा बोल रहा है वो तो एकदम बिल्कुल से फेक है, यानी वो खुद बच्चा जो कर रहा है वो किसी के कहने पे कर रहा है। और ये ऑडियो क्लिप वाला जो आपने ऑडियो सुना है, ये यूट्यूबर उन मनोज दे से नाराज है इसलिए उन्होंने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों साफ साफ बात यह है कि एक बड़े यूट्यूबर पे एक इस प्रकार की फेक वाली वीडियो बनना बहुत ही एक बुरा नेगेटिव असर डालती है। यानी दोस्तों कि एक बड़े यूट्यूबर जो 3 लाख सब्सक्राइबर, उनके साथ एक ऐसा व्यवहार होता है कि वो एक बच्चे से 1000 रुपये लेते हैं, यानी इतना बड़ा यूट्यूबर 1000 रुपये के लिए गिर जाएगा। दोस्तों ये सब कुछ फेक था, इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मनोज दे एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर है, उन्हें लाइक करो दोस्तों और उनके चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, यानी इस प्रकार की फेक वीडियो मत बनाओ दोस्तों, प्लीज ऐसा करना आपके लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि आप भी यूट्यूब पे आए हो तो बड़े यूट्यूबर बनने के लिए आए हो। हाँ दोस्तों एक जाहिर सी बात है कि एक बड़ा यूट्यूबर होता है उन पे फेक वाली और इस तरह की वीडियो बनती जरूर है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। दोस्तों मेरा मकसद यही था कि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए आपको जिसे किसी की भावनाओं को आहत हो, यानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, ऐसा काम मत करो दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।